हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने आज तक जो गूगल या यूट्यूब पे सर्च किए हैं तो वो सारी सर्च लिस्ट आप एक जगह पे कैसे देख सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आशु और आपका मेरे टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी सर्च हिस्ट्री देखने के लिए सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट पर लॉगिन कर लें। उसके बाद गूगल पर सर्च करें माई अकाउंट और माई अकाउंट पर क्लिक करें। उसके बाद आपका माई अकाउंट का मेन्यू खुल जाएगा। तो यहाँ सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन सर्च हिस्ट्री देखने के लिए आपको माई एक्टिविटी में जाना पड़ेगा। तो मैंने क्लिक किया गो टू माई एक्टिविटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आज जो सर्च किए वो सारी डाटा यहाँ पर आ रही है। मैंने आज क्या क्या गूगल पर सर्च किया, मैंने यूट्यूब पर क्या देखा और भी मैंने जो भी सर्च किए, सारी लिस्ट यहाँ पर आ रही है, आज की, कल की, इससे पहले की। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी सर्च हिस्ट्री देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन सर्च हिस्ट्री को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कई तरह से डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि आप आज की डाटा डिलीट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप स्पेसिफिक सर्च डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सर्च खोला और मैं चाहता हूँ कि मैं कोई सर्च रिजल्ट डिलीट करूँ, तो मैं ये वाला डिलीट कर रहा हूँ, हाउ टू गेट हेल्प। तो इसमें मैंने डिलीट किया, तो ये मैंने स्पेशल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। इसके अलावा मुझे अगर सारी डिलीट करनी होगी तो मैं डिलीट एक्टिविटी में जाऊंगा और वहाँ मैं डिलीट बाय डेट में टुडे, यस्टरडे, 7 दिन पहले, 30 दिन पहले या अब तक मैंने जितने सर्च किए हैं सभी को डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे मैं एक साथ। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये हुआ डिलीट करने का तरीका। तो अब बात करते हैं कि इसे डाउनलोड कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको अदर गूगल एक्टिविटी में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्लिक करें अदर गूगल एक्टिविटी। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा डाउनलोड योर पास्ट सर्चेज। तो क्रिएट आर्काइव पे क्लिक करें, या इसके अलावा आप माई अकाउंट में कंट्रोल योर कंटेंट पे भी जा सकते हैं और वहाँ डाउनलोड और ट्रांसफ़र योर कंटेंट में क्रिएट आर्काइव पे क्लिक करें। दोनों सेम ही चीज़ है। तो क्रिएट आर्काइव पे क्लिक करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउनलोड योर डाटा खुल चुका है और इसमें मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे क्या डाउनलोड करना है। तो ये मैंने सारे सिलेक्ट की हुई है, मैप्स, यूट्यूब। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए फाइल टाइप किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, तो जिप फाइल, और कितने साइज की चाहिए मैक्सिमम, तो 2 GB, और डिलीवरी मेथड कैसे, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ईमेल के ज़रिए और क्लिक करें क्रिएट आर्काइव पर। तो आप देख सकते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग योर आर्काइव, मतलब कि अब मेरा वो डेटा क्रिएट हो रहा है और मेरे ईमेल आईडी पे कुछ देर के बाद भेज दिया जाएगा। तो मैं अपना ईमेल आईडी चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं योर गूगल डाटा आर्काइव इज रेडी, और यहाँ डाउनलोड आर्काइव का ऑप्शन आ रहा है। मुझे 8 अगस्त से पहले डाउनलोड करना है तो मैंने डाउनलोड आर्काइव पे क्लिक किया। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और ये डाउनलोड शुरू हो गई। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसे सेफ तरीके से रखें, इसे पब्लिकली किसी कंप्यूटर पर डाउनलोड ना करें, अपने ही कंप्यूटर पर डाउनलोड करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ लाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। तो आज के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।